ग्रेवल सड़क निर्माण में स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण नहीं, ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग उठाई। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवखेड़ा के करीब आधा दर्जन ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पंचायत के अंतर्गत ग्रेवल सड़क निर्माण में स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि राजाखेड़ा पंचायत समिति में मनरेगा के कार्य, जो कच्चा कार्य श्रमिकों द्वारा पूर्ण होने के बाद स्टेटमेंट शेड्यूल में ग्रेवल सड़क निर्माण में मरम डालकर रोलर चलवाना सुनिश्चित होता है। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा की ज्यादातर नजदीकी पंचायत जिनके पास ईंट भट्टा संचालित है, वह सारी पंचायत के सचिव और सरपंच भट्टों का कचरा डालकर खाना पूर्ति का लाखों रुपए का गबन कर लेते हैं, जबकि सड़कों पर गड्ढे ही दिखाई देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निरीक्षण करने वाले भी जानबूझकर बेखबर रहते हैं। ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक विद्यालय गढ़ी जोनाबाद सिलावट रोड तक ग्रेवल सड़क निर्माण, गढ़ी जोनाबाद हरिबल्लभपुरा रोड उत्तर प्रदेश बॉर्डर अनिरुद्धपुरा तक ग्रेवल सड़क गढ़ी जोनाबाद तालाब निर्माण, हनुमान मंदिर गढ़ी जोनाबाद वीरवल के द्वार से हरिबल्लभपुरा तक ग्रेवल सड़क गढ़ी जोनाबाद एवं सीसी निर्माण कार्य और नाले निर्माण गढ़ी जोनाबाद के निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, जयवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, हरि नारायण सिंह, राजवीर, उमेश, गिरराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। लेकर आपने आज यहाँ ज्ञापन दिया है? मैं गिरराज सिंह, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 5 प्रतिनिधि के रूप में अपने ग्रामवासियों के साथ में आज कुछ निर्माण कार्य जो देवखेड़ा पंचायत में जिनमें अनियमितताएँ हो रही हैं उनके बारे में कुछ लिखित में पॉइंट दिए हैं। उन पर जांच के बारे में हम कलेक्टर साहब, माननीय रजीम साहब और तहसीलदार जी के जो मौजूद वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उनके लिए हमने आवेदन दिया है। इसके बारे में जांच के लिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो भी सत्यता है जानकारी करके, जैसा मतलब जो 2 नंबर का काम हो रहा है उसकी पूरी पूरी जानकारी करके सरकार इसकी अमल कार्रवाई अमल बना। मैं जयवीर सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजाखेड़ा। आज हमने SDM साहब और कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने अपने जो नुमाइंदे एक दलाल के टाइप में बैठा रखे हैं ऑफिसों में, जैसे उसमें है सचिव है ग्राम पंचायत देवखेड़ा में, जिसमें 20-20 लाख एक ग्रेवल सड़क के लिए मरम सेंसन कर रखी है, उसमें पड़ोसी भट्टों का कचरा डाल करके फ्री में बिना कॉस्ट के मतलब भट्टों से एक कचरा नाम का वो लेके और रोडों पर डाल रहे हैं उनको, जिसमें आम जन के लिए रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। उसमें जिसकी कॉस्ट 100 रुपये कॉस्ट है, उसका 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट बना करके ये कांग्रेस सरकार उन्होंने बिल भुगतान कर रखे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत देवखेड़ा के सभी लोगों के साथ SDM साहब के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यदि SDM साहब हमारी इस मांग को नहीं सुनेंगे तो हम आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, आगे मंत्रियों के पास जाएंगे। यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम आम अनशन करेंगे, यही मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। पंचायत समिति में विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत के बाद कार्यवाही, 10 सदस्यीय टीम पहुंची जांच करने। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के पंचायत समिति कार्यालय में भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मामलों के शिकायत पर शासन उप सचिव पंचायती राज विभाग के निर्देश पर 10 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच टीम मंगलवार को पंचायत समिति कार्यालय पहुंची, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मामलों की जाँच शुरू कर दी गई है। जाँच टीम के प्रभारी राकेश कुमार सिंघल ने बताया कि बाड़ी पंचायत समिति में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि में विकास अधिकारी द्वारा अन्य मदों में चहेते ठेकेदारों को नियम विरुद्ध भुगतान किया गया है, जिसकी शिकायत है। साथ में पंचायत समिति मद से कराए गए विकास कार्यों में अधिकांश कार्य धरातल पर नहीं किए गए हैं, और पंचायत समिति क्षेत्र में जो जल ग्रहण ढांचे बनाए गए हैं वह पहले वन विभाग द्वारा निर्मित किए गए थे। उक्त मामलों को लेकर जो शिकायत की गई है, उस शिकायत के आधार पर शासन
उप सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा जिला परिषद को निर्देश दिए गए थे। ऐसे में उक्त मामलों की जांच को लेकर पंचायत राज विभाग के मंत्री द्वारा उसकी रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर जिला परिषद सीईओ सुदर्शन सिंह तोमर ने उनके नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसने आज से जांच शुरू कर दी है। हालांकि उक्त जांच को लेकर एक दिन का ही समय दिया गया है, लेकिन उक्त जांच कम से कम 2 से 3 दिन में पूर्ण हो पाएगी। अभी पत्रावलियों को एकत्रित किया जा रहा है, साथ में मौके पर जाकर विभिन्न कार्यों की भौतिक जांच भी की जाएगी। इस दौरान जांच टीम में अभियंता रामबोल सिंह, राजेश कुमार लवानिया, अनिल शर्मा, गिरराज सिंह, राजीव गौतम, परियोजना अधिकारी कैलाश चंद मीणा, सहायक लेखा अधिकारी प्रमोद गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी रविन्द्र सिंह राणा और जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार परमार मौजूद रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद बुद्गल की रिपोर्ट। श्रीमान उपायुक्त एवं शासन उप सचिव पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 5648-729 दिनांक 14/2/2024 के क्रम में पंचायत समिति बाड़ी में किए गए भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद द्वारा कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, जो पंचायत समिति बाड़ी से शिकायत में वर्णित बिंदुओं की रिकॉर्ड लेकर और क्षेत्र में इनका जांच करेंगे। कार्यों की मौके पर हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो भी है, जो जांच रिपोर्ट में पाया जाएगा वो जांच रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर के समक्ष कमेटी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। भ्रष्टाचार की एक दो शिकायतें पूरी, जैसे पंचायत समिति बाड़ी को केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में आवंटित राशि विकास अधिकारी द्वारा अन्य मद में व्यय की। नंबर 2, पंचायत समिति बाड़ी में पंचायत समिति मद से कराए गए विकास कार्यों में से अधिकांश कार्य धरातल पर मौजूद नहीं है, जिसको विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति प्रधान के साथ मिलकर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार किए गए हैं। शिकायत बिंदु में ये तथ्य दिए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी। जांच में जो भी पाया जाएगा वो जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी जाएगी। जांच का समय एक दिन का दिया गया है, लेकिन एक दिन में जांच संभव नहीं है, एक दो दिन जो भी लगेंगे वो जांच कर दी जाएगी। शिवाजी मार्केट गली नंबर 1 में दुकानदारों ने किया अतिक्रमण, रास्ता अवरुद्ध। बाड़ी की प्रमुख खबर। सीताराम बाजार के निकट स्थित विख्यात शिवाजी मार्केट गली नंबर 1 में दुकानदारों ने दुकान के सामने बड़ी मात्रा में आम रास्ते में सामान रख दिया है, जिसको लेकर दुकानदारों में SDM को ज्ञापन देकर आम रास्ते में से अतिक्रमण हटवाने का आग्रह किया है। वार्ड नंबर 6 की पार्षद आयशा बेगम सहित अनेक दुकानदारों ने हस्ताक्षर कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा है कि शिवाजी मार्केट का 12 फीट चौड़ा रास्ता अतिक्रमण के चलते सुकड़कर 3 फीट का रह गया है। इसके चलते दुकानदारों को दुकान तक अपना सामान पहुंचाने में एवं ग्राहकों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अतः शीघ्र अतिक्रमण को हटाया जाए। अरे जिंदे आ जाएंगे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रामायण बोध परीक्षा का किया आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। विश्व हिंदू परिषद प्रांत जयपुर की ओर से भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने एवं सनातन धर्म के ग्रंथों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए रामायण बोध परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा संयोजक बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि आज प्राइवेट स्कूलों में रामायण बोध परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें शारदीय विद्यापीठ और सरस्वती विद्या मंदिर के 6वीं, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। दोनों स्थानों पर बजरंग दल के पदाधिकारी, बजरंग दल जिला सह संयोजक नरेश कुमार, जिला गौरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, अमित प्रताप सिंह, विक्की आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।
जयधर्म वंदे मातरम। आज वेद के द्वारा विश्वहिंदू परिषद के द्वारा धौलपुर में रामायण बोध परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें हम शारदीय विद्यापीठ, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे प्राइवेट स्कूलों ने भाग लिया था। इस तो हमारा जो रामायण बोध परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो राम के जो आदर्श है, भगवान प्रभु श्री राम के आदर्श है, वो जन जन तक पहुँचे और बच्चों में उसका संस्कार हो। इसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इस जिले में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको प्रांत में सम्मानित किया जाएगा। जयचराम बंदीवाल। राजीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बालिकाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लोकेंद्र सिंह परमार, स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह आयोजित, बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज राजीविका शक्ति बंधन स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह कार्यक्रम विधानसभा बसेड़ी में एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह परमार ने की, जिसमें विशिष्ट अतिथि जारगा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा, मंडल महामंत्री महेंद्र कोली, सुरेश शर्मा, पप्पू परमार, विजय गोयल रहे। कार्यक्रम आयोजनकर्ता दिनेश कुमार लोधा BPM बसेड़ी, ओमवीर BPM बसरमथुरा, पवन कुमार एरिया कोऑर्डिनेटर, वंदना क्लस्टर मैनेजर, अजीत जयसिव और अन्य समूह की महिलाओं का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि परमार ने स्वयं सहायता समूह की शक्ति बंधन सखी सम्मान समारोह में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं के लिए बहुत प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला फ्री सिलाई योजना, मातृशक्ति बंधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, लखपति दीदी योजना आदि योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं को मिल रहा है। महेंद्र कोहली ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान समूह में अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने पर महिलाओं को उपहार देकर उनको सम्मानित किया गया। आज इस राजीविका समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। के बाद में हमने आजीविका बनाने के लिए किसी ने कोई काम किया, किसी ने परचूने की दुकान डाली, किसी ने कुछ किया। इसे आजीविका बढ़ाने के लिए हमें समूह से निकल करके हमें एक बैंक सखी के पद मिला, जिसे जयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई। BRKG बैंक में बसेड़ी में मैं कार्यरत हूँ 2017 से, जहाँ पर समूह के खातों की संख्या है 119 में से 34 का जो खाता टावरों में सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सपना है, मैं सहेली सरमथरा में कलेक्टर मैनेजर के पद पर कार्य कर रही हूँ। और राजीविका एक ऐसी संस्था है जो कि गरीब महिलाओं को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, अगर समझी जाए तो बहुत अच्छी संस्था। मुंबई अश्वमेघ महायज्ञ 21 से 25 फरवरी तक रहेगा। मुंबई यज्ञ स्थल से खास खबर। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में मुंबई में 1008 कुंडीय गायत्री अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन 21 से 25 फरवरी तक कॉरपोरेट पार्क पेठ पड़ा मेट्रो स्टेशन के पास खार घर नई मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। 21 फरवरी को दोपहर 3 से 5 बजे तक कलश यात्रा स्वागत एवं आरती कार्यक्रम होगा, जिसके उपरांत शाम को 5 बजे प्रदर्शनी एवं बुक स्टॉल का उद्घाटन, युग संगीत एवं प्रवचन कार्यक्रम होगा, जिसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जीजी एवं डॉक्टर चिन्मय पंड्या का मार्गदर्शन मिलेगा। 22 फरवरी को विस्तृत देव पूजन एवं यज्ञ का आयोजन होगा, जो नियमित 23 फरवरी एवं 24 फरवरी होगा, तथा 25 फरवरी को पूर्णाहुति एवं विसर्जन कार्यक्रम होगा। राजाखेड़ा पंचायत समिति में स्थायी समिति की बैठक आयोजित, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति में प्रधान श्रीमती लता कंवर उर्फ चारू तोमर की अध्यक्षता में स्थायी समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले पद स्थापना
का अनुमोदन किया गया एवं आगामी समय में कर्मचारियों के स्थानांतरणों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विकास अधिकारी मनीष तोमर एवं नीरज, अनीता, रजनी, रामवीर त्यागी, नंदराम बघेल, अचल सिंह, सीमा, विद्याराम गुर्जर आदि सदस्यगण उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदयनिया, प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। राजस्थान से राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। जयपुर की प्रमुख खबर। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नाम वापसी का समय निकालने के बाद आज चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों की विजय होने की घोषणा की। इस मौके पर विजयी प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रमाण पत्र दिए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। वहीं भाजपा के दोनों प्रत्याशी मदन राठौर एवं चुन्नीलाल गरासिया भी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। घोषणा के बाद मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जबकि सोनिया गांधी का प्रमाण पत्र उनके एजेंट ने प्राप्त किया।